को खोलने का तरीका होता है ये, भाई साहब भाई साहब। कलर देखिए एकदम से एकदम जाल बना हुआ होना चाहिए, जो कि रुकने नहीं वाला। इसको फ्रंटली अंदर से ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट देखिए, छुपाने वाला नहीं है एकदम सामने। ये देखिए थिकनेस देख, तो ऐसे आपको मिलेगी थोड़ा। तो भैया आज है संडे और आज है स्पेशल डे, आया हूँ आज डोसा ट्राई करने। कहाँ पे? डोसा हाउस मेडिकल चौराहे वाले, इनका नाम डोसा हाउस है। पहले ये मेडिकल चौराहे पे इनकी दुकान थी, अब यहाँ पे इन्होंने खोल ली है और अभी रिसेंट में इन्होंने दुकान खोली है। अभी भाई भैया सब कुछ बात करूँगा कब की दुकान है, क्या क्या ये बनाते हैं। बहरहाल इनका डोसा मैंने ट्राई किया और डोसा इनका बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, पर डोसा से ज़्यादा मुझे इडली के लिए ज़्यादा वो है, क्योंकि इडली मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो पार्वती हॉस्पिटल जस्ट मेरे पीछे है और उसके जस्ट सामने भैया का आपका डोसा हाउस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डोसा, इडली, सांभर, बड़ा, उत्पम, दही बड़ा सब कुछ मिलेगा। और भैया से आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है आपके पास स्पेशल, जो आपका सबसे बेस्ट है, वही चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भैया का किचन, भैया का आउटलेट जहाँ पे बैठने और सेटिंग की व्यवस्था है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फूड रिव्यू। भाई आए हम लोग यहाँ खाना खाने, तो खाना दिखाएंगे और उसके बाद करेंगे सारी बातें। आइए भैया, इलाहाबाद में डोसा जो सबसे बढ़िया मिलता है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो बोलेंगे भैया मेडिकल चौराहे पे मिलता है। भैया की दुकान मेडिकल चौराहे पे थी, अब उन्होंने यहाँ खोल ली है, बढ़िया आउटलेट खोल दिया है। सेटिंग व्यवस्था वहाँ पे, सेटिंग की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, नो डाउट। तो आपको क्वालिटी मेडिकल चौराहे वाली मिलेगी और फैसिलिटी सारी सिविल लाइन वाली। यहाँ पे सेटिंग की व्यवस्था है, अच्छा खासा आउटलेट है। टेस्ट खाने का तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो हम चेक करेंगे ही। भैया से एक चीज़ और पूछते, तो कितने दिन हो गया यहाँ पे आपको दुकान खोले हुए? एक साल हो गया। एक साल हो गया, तो वहाँ पे कितने दिन चली? वहाँ पे 40-50 साल। 50 साल पुरानी दुकान, और जितने आपके पास कारीगर हैं सब पुराने कारीगर हैं। और हाइजीन हमने अभी आपको दिखाया है, बनाने का तरीका एकदम हाइजेनिक है, किचन भी एकदम हाइजेनिक है। अब टेस्ट तो आगे पता ही चलेगा ही। डोसा का टेस्ट हमने बताया ही, हम यहाँ के पैक करा के एक बार ले जा चुके हैं और ट्राई भी किया है हमने, काफ़ी अच्छा डोसा रहता है। तो भैया आप ये बताइए कि हम आपके यहाँ कोई भी तीन चीज़ें आप ऐसी रिकमेंड कीजिए या जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट होगी वो हम ट्राई करें। आप डोसा हमारा ट्राई कीजिए, दही बड़े हमारे स्पेशल है, ट्राई करें। बड़े बहुत जगह खाए होंगे लेकिन दही बड़ा एक बार हमारा ट्राई करके देखिए कि दही बड़ा स्पेशल है क्या। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो दही बड़ा ट्राई कराइए हमें, डोसा ट्राई कराइए और आइए। इडली इतनी सॉफ्टनेस है, इडली की क्वालिटी एकदम बेटर है। सर देखिए, देखते हैं आपके यहाँ कैसा टेस्ट है। भाई आप इलाहाबाद के सारे कस्टमर जाने तो कि एक ऐसा आउटलेट भी खुल गया है इलाहाबाद में जहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और टेस्ट मेडिकल चौराहे वाला मिलेगा। ठीक है, तो ले आइए ट्राई कराइए। भैया ने बताया कि देखिए हमारे पास जो तीन चीज़ें हैं वो सबसे बेस्ट हैं, एक इनका डोसा मसाला डोसा, एक दही बड़ा और एक इडली। इडली मेरी फेवरेट है। देखिए जो डोसा का जो मेरे अंदर इमेज बना हुआ है ना इलाहाबाद का, जो सबसे बेस्ट डोसा है, अगर आप कहिए कि सबसे बेस्ट डोसा इलाहाबाद का कहाँ है, तो मैं यही कहूँगा मेडिकल चौराहे का। चूँकि भैया 50 साल लगभग दुकान मेडिकल चौराहे पर चला चुके हैं, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो टेस्ट मिलेगा मुझे वो मेडिकल चौराहे वाला ही मिलेगा। भाई बनाने वाले वही हैं तो टेस्ट तो वही होना चाहिए। तो देखते हैं आज इडली से अच्छा मुझे डोसा लगता भी है कि नहीं, तो अब सब कुछ चेक करेंगे। उसके अलावा भैया का दही बड़ा ने भैया की बहुत तारीफ़ की कि दही बड़ा बहुत अच्छा मिलता है हमारे यहाँ, दही बड़ा ट्राई कीजिए। तो दही बड़ा भी ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई डोसा से अच्छा है क्या दही बड़ा। तो सबसे पहले देखिए डोसा खोल के देखते हैं, डोसा बिना पोस्टमार्टम के नहीं खाएंगे हम। तो ये डोसा क्रिस्पीनेस देख रहे हैं आप इसकी, ये देखिए कितना ही ज़्यादा क्रिस्पी, और कलर देखिए मतलब एकदम बढ़िया से सिका हुआ। आप देख के आप बता सकते हो कि भाई एकदम बेस्ट तरीके से सिका हुआ है। और डोसा को खोलने का तरीका होता है ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये डोसा पनीर के कितनी बड़े बड़े चंक्स, ये आलू धनिया सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं डोसा का ये चीज़ अलग देते हैं और ये पेपर डोसा अलग से बना के देते हैं, वो भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप खाने आ रहे हो आप तुरंत, तो आप ऐसे बनवा के लो सबसे बेस्ट रहता है। भैया का जो आउटलेट है वो स्विगी और जोमेटो दोनों पे है, तो आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो भैया पहले हम लोग ट्राई करते हैं भैया का डोसा। तो पनीर ले लिया है हमने, साथ में आलू और ये कुछ सांभर उम्र मैंने लगाने वाला, कुछ भी एकदम सिंपल तरीके से जैसे होता है। पनीर तो ऐसे लग रहा है जैसे ये डोसा नहीं, पनीर डोसा ही है कह सकते हैं इसको। ये देखिए ठीक, जैसे ट्राई करते हैं हम लोग। आलू को जो है इसमें ये पीस उसके नहीं, रेत के शायद कद्दूकस करके तब डाला गया है, तो हल्का सा खट्टा टेस्ट है, हल्का सा पंजी टेस्ट है और इतना बढ़िया टेस्ट है कि मैं क्या बताऊँ। प्याज वाज की क्वांटिटी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा, हर चीज़ जगह पे प्याज पड़ी हुई है। आलू को आपको हर जगह मिलेगा,
ठीक है, और मटर वटर भी, अभी मैं इसको पूरा पोस्टमार्टम करके भी आपको दिखाता हूँ। तो अब की ट्राई करते हैं सांभर के साथ। ये हो गया सांभर। सांभर होना चाहिए पतला और खट्टा, बेस्ट, बढ़िया कॉम्बिनेशन। हल्का सा स्पाइसी है सांभर, ये डोसा हल्का खट्टा है, तो एकदम एक दूसरे को एकदम बढ़िया से बैलेंस कर रहे हैं। इसको पहले खोल के देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। ये देखें, ये देखें, इसमें कुछ छुपाने वाला नहीं है, एकदम सामने आपके सब कुछ दिख रहा है। आलू पनीर, मतलब ऐसा नहीं है कि आलू और पनीर आपको सिर्फ बीच में मिलेगा, चारों तरफ देखिए कैसे पूरा स्प्रेड है, पूरे डोसे में आपको आलू और पनीर मिलेगा, ठीक। तो ये वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप बेस्ट चीज़ पाएंगे यहाँ पर आके। तो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं हम चटनी के साथ। भाई डोसा के साथ, इस सांभर के साथ तो हो गया, चटनी के साथ भैया ने यहाँ पे चटनी भी दी हुई है। अभी ये कौन सी चटनी है मैंने खाया नहीं है, अभी खा के बताएंगे, पहले चटनी ट्राई करते हैं। एकदम नॉन स्पाइसी, तो डोसे भी नॉन स्पाइसी होती है, ये बढ़िया है। डोसा और सांभर का कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत बेस्ट है, ठीक है। डोसा इतना क्रिस्पी है कि आप यहाँ का डोसा आप 100% रिकमेंडेड है, आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और कलर देखिए ना डोसे का, आप कलर देख के बता सकते हैं कि किस तरीके से सेका हुआ है, ठीक है, मस्त तरीके से सेका हुआ डोसा। और आपको फीलिंग हमने दिखाई दी चटनी के साथ, ट्राई करते हैं। मीठी वाली चटनी हम समोसे वाली, कुछ लोग खजूर वाली भी सर्व करते हैं। ये स्पाइसी है, ये नॉन स्पाइसी है। डोसा का टेस्ट एकदम परफेक्ट है। मेडिकल चौराहे पर देसी घी का डोसा मिलता है, वैसे डोसा भी आपका बहुत बढ़िया क्रिस्पी है, कुछ इसमें कोई शिकायत की बात ही नहीं है। दही बड़ा की तारीफ भैया ने बहुत की, तो दही बड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है। ये भैया दही बड़ा, दही बड़ा में जैसे दही बड़ा मीठा होता है हल्का सा, ठीक है। तो अब इनका देखते हैं कैसा है। ऊपर बढ़िया से चटनी यहाँ डाली हुई है, जीरा डाला हुआ है, पहले इसको कट करके देखते हैं। देख रहे हैं सॉफ्टनेस, देखिए सॉफ्टनेस, देखिए देख रहे हैं, इसको कट करके। भाई साहब क्या बात है, ये देखिए एकदम वाइट और स्पंजी, ये देखिए देख रहे हैं, वाह देख रहे, ये सॉफ्टनेस। अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। दही बड़ा मुझे बहुत पसंद है, और जैसे मीठा होना चाहिए दही बड़ा ना, दही की थिकनेस और इस दही बड़ा की सॉफ्टनेस दोनों मिलकर इतना सही टेस्ट दे रहे हैं, इतना सही टेस्ट दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। दही एकदम देखिए एकदम थिक है, ये ऐसी ही दही दही बड़ा में होनी चाहिए। ट्राई करते हैं एक बार और, भाई मैं रुकने नहीं वाला इसको। लखनऊ बहुत जाता है, लखनऊ भी जाता है आपका दही बड़ा, वाह। तो स्विगी जोमेटो पे हैं अगर, तो थोड़ा दूर रहते हैं ना तो उससे ऑर्डर कीजिए, और दही बड़ा चूकिएगा मत, दही बड़ा बहुत टेस्टी है, एक से पेट नहीं भरने वाला। अगर आप खाने आए डोसा और दही बड़ा खाने लग गए ना, तो वही खा के पेट भरेंगे, दो तीन मंगा के। बहुत टेस्टी दही बड़ा, सही बात है भैया की तारीफ एकदम जेन्युइन है दही बड़ा के लिए। अब हम अपना फेवरेट पार्ट ट्राई करते हैं। मैंने बताया साउथ इंडियन में मुझे इडली ज़्यादा पसंद है डोसा से, इडली भी देख लेते हैं कैसी है। तो ये भैया का इडली सांभर, सांभर और चटनी तो सेम है, ठीक है। चटनी मूंगफली की है और नारियल भी, भैया मूंगफली और नारियल दोनों की चटनी रहती है, ये मूंगफली और नारियल दोनों की चटनी है। थिकनेस देखिए काफ़ी अच्छी चटनी की, ये देखिए, ठीक है। और बाकी ये है सांभर, सांभर हल्का सा स्पाइसी है। अब इडली देखते हैं, देखिए इडली तोड़ते ही अंदर से एकदम जाल बना हुआ होना चाहिए, जो कि इडली मेरी फेवरेट है, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये देखिए इडली अंदर से ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसी देख रहे हैं, ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए, यही असली परख है इडली की, ठीक। तो इडली को हाथ से ही खाया जाता है, हाथ से तोड़िए इडली ऐसे जैसे साउथ इंडिया में खाया जाता है, थोड़ी देर तक इसमें डुबाइए, और इसमें डुबाने के बाद इसे सांभर पी लेना चाहिए। इडली ऐसी होनी चाहिए कि सांभर पी ले पूरी, ठीक है। तो ये देखिए इसीलिए सांभर हल्का पतला रखा जाता है, लेकिन इनका सांभर पतला है हल्का, ठीक। अब इसे ट्राई करते हैं, जैसा है कि आप शादी भी इडली खाएंगे तो इतनी यम्मी टेस्ट है। सांभर तो हमने आपको टेस्ट बताई दिया, बहुत टेस्टी है, इडली बहुत स्पंजी है, तो इडली ट्राई कर सकते हैं। डोसा अच्छा है इनका, डोसा मतलब रिकमेंडेड, इडली से अच्छा डोसा है, ठीक है। स्विगी जोमेटो पर मैंने बताई दिया आपको, स्विगी और जोमेटो दोनों पे हैं, तो आप दोनों से आके ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप दूर हैं तो। अब हम थोड़ा बता देते हैं कि सबसे अच्छा मुझे क्या लगा। सबसे अच्छा भैया के हिसाब से जो था वही मेरे हिसाब से दही बड़ा। दही बड़ा बहुत टेस्टी था। आप आ रहे हो डोसा खाने, कोई बात नहीं, फिर भी दही बड़ा ऑर्डर कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद डोसा, देसी घी का डोसा है, एकदम रिकमेंडेड है, आपको डोसा ज़रूर ट्राई करना चाहिए यहाँ पे। इडली भी बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरे पास और भी चीज़ें हैं, पूरा मेन्यू अभी मैं आपको दिखा दूँगा, सब कुछ है उसमें।
आपको लोकेशन मैंने बता दी, पार्वती हॉस्पिटल के जस्ट सामने, बालसन चौराहे से थोड़ा सा आगे आएंगे पार्वती हॉस्पिटल है, पार्वती हॉस्पिटल के जस्ट सामने भैया का आउटलेट है डोसा हाउस के नाम से। वहाँ पे साउथ इंडियन भी आपको मिल जाएगा, भैया ने बताया लस्सी भी मिल जाएगी और भी बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ पे आके ट्राई कीजिए। और मैं अगर सबको रेटिंग दूँ तो ये 5 out of 5, ये 5 out of 10, ठीक है, ऐसे कहते हैं कुछ एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए, 10 के 10 सही करके आए, 5 चक्कर लो कोई, वही वाला हाल है इसमें। दही बड़ा बहुत टेस्टी है, ठीक है, और इडली 5 out of 4, ठीक, डोसा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भैया हम जा रहे थे लेकिन भैया ने कहा कि भैया हमारी लस्सी जो है वो बहुत बढ़िया है, थोड़ा हमें दही दिखाइए चला के आप, थोड़ा पहले दही कैसे है ये देखिए, थिकनेस दही की। ये दही आप लोग घर का बना हुआ यूज़ करते हैं? तो घर का बना हुआ दही यूज़ करते हैं भैया, और देखिए कितना ज़्यादा थिक है, ठीक। और सर्व किस पे करते हैं? इसमें अभी इसमें कुछ और भी पड़ने वाला है, हमने ट्राई कर लिया है पहले से, लेकिन अब क्या पड़ेगा वो देखते हैं। डालिए भैया, ये है इसमें रू अफ़ज़ा, साथ में आता है ड्राई फ्रूट, तो ऐसे आपको मिलेगी। थोड़ा हमने पी लिया है, आधी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मिलेगी आपको, ठीक। तो आप शक्ल देख सकते हैं। दूसरा ये मिट्टी की ग्लास में है तो सोनापन भी आपको मिलेगा पूरा, तो गांव का सामान गांव की चीज़ों में। लस्सी पियो जब तक मुंह में ना लगे, लस्सी नहीं पियो, लस्सी पियो और मूछ बननी चाहिए लस्सी में। लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा है, घर का दही है, एकदम गाढ़ा थिक और ग्लास में पीने में एकदम देसी फ्लेवर। तो लस्सी भी आप इनकी ट्राई कर सकते हैं, 50 रुपये में लस्सी है, और बाकी 100% रिकमेंडेड इनका दही बड़ा। और ये है प्रॉपर इनका मेन्यू, जिसमें आप देख सकते हैं मसाला डोसा है, बटर पनीर स्पेशल डोसा है, छोले भटूरे हैं, इडली सांभर मिल जाएगा, सांभर बड़ा मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। स्विगी और जोमेटो पर भी अवेलेबल है, अगर आप दूर रहते हैं तो इससे ऑर्डर कीजिए, बाकी सारी डिटेल वीडियो में है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी और रिकमेंडेशन होगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।